ओके अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट बचा हुआ 21st कोसेक एक्स। इससे पहले हमने साइन कॉस टेन कॉट का और सेक का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आते कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। अब देखो एक्चुअल में कोसेक एक्स इक्वल टू क्या है, 1 बाय कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय साइन एक्स। ओके अब देखो अब डिनोमीटर में है साइन क्या है, अब ये कॉस एक कोसेक तभी डिफाइन होगा जब नीचे वाला जीरो ना हो, यानी कि साइन एक्स जीरो नहीं होनी चाहिए। अब जो साइन एक्स जीरो होता है कब, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, ये नहीं होनी चाहिए एक्स वैल्यू। एक्स के इस वैल्यू पे साइन एक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो वही लिखा डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल डी एल नंबर एक्सेप्ट पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, इसको छोड़ के। यानी एक्स की वैल्यू हम ये नहीं ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू देखो एक्स की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते हैं, देखो बच्चे हम एक्स की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते हैं, जीरो प्लस माइनस पाए प्लस माइनस 2 पाए प्लस माइनस 3 पाए प्लस माइनस 4 पाए प्लस माइनस 5 पाए, ये सब नहीं ले सकते आप, ठीक है, चूँकि इस पॉइंट पर कोसेक नॉट डिफाइन हो जाएगा, वैल्यू नहीं आएगा, चूँकि इस पॉइंट पर साइन जीरो हो जाएगा। अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो 1 बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। ओके चलो अब आते हैं हम लोग अब रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ कोसेक एक्स। तो यहाँ भी वही होगा, चूँकि साइन की साइन जो है कहाँ से कहाँ लाई करता है, साइन लाई करता है -1 और 1 के बीच में। ओके तो साइन अगर इसमें लाई करता है, इसके बीच में लाई कर रहा है साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स होता है, तो कोसेक एक्स इसके बीच में नहीं लाई करेगा। कोसेक एक्स कहाँ लाई करेगा, या तो इधर लाई करेगा, देखो यानी कोसेक एक्स जो होगा या तो 1 से ग्रेटर होगा, है ना, इधर होगा, या -1 से लेसर होगा, इस साइड होगा। ओके सेक एक्स कोसेक एक्स इसके बीच में लाया करेगा, -1 से लेस होगा या -1 भी हो सकता है, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, है ना, साइन मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो -1 का रेसिप्रोकल करो तो क्या है, -1 ही आएगा, तो कोसेक एक्स भी -1 होगा या उससे कम होगा, ठीक। फिर कोसेक एक्स +1 होगा या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो -1 यानी कोसेक एक्स के वैल्यू कहेगा, कोसेक एक्स के वैल्यू 1 बाय 2 ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, जो कोसेक एक्स इसके बीच में लाई करता ही नहीं है, यानी इसके बीच में नहीं लाई करता है। ओके बेटे कोसेक एक्स केवल इसके बीच में साइन लाई करता है -1 और 1 के बीच में। तो क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा कोसेक एक्स का, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटरवल -1 से 1, इसको छोड़ दो, इस इंटरवल को छोड़ दो, बाकी ऑल रियल नंबर, एक पूरा क्या लाइन है सेट ऑफ रियल नंबर का, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से इस इंटरवल को हटा दो -1 से 1, या इसे लिख सकते हैं -∞ इधर क्या, -∞ इधर +∞ है, तो -1 से क्या हो जाएगा, -∞ से लेके -1, अब फिर 1 से लेके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, इसके बीच वाला नहीं आएगा, जैसे सेक में हुआ था उसी तरह यहाँ भी, दोनों के सेम ही है, बट डोमेन थोड़ा चेंज है, वहाँ था डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, बट यहाँ पे क्या है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल को एक्स हटा दिया गया है, बट रेंज क्या है, रेंज दोनों का सेम है, सेक का और कोसेक का, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कर लेते हैं, फिर उसी तरह से आप देखो कहाँ पर नॉट डिफाइंड है, यानी डोमेन हम एक्स वैल्यू हम क्या क्या नहीं ले सकते हैं, हम एक्स वैल्यू ये नहीं ले सकते, इस पर नॉट डिफाइन हो जाएगा कोसेक एक्स, इसका मतलब है हम इसी पॉइंट पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट लाइन, यानी ग्राफ कोसेक एक्स का ग्राफ इसको टच नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग क्या करें, पहले हम लोग एक्स एक्स वाई एक्स ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके एक्स डैश से इधर एक्स है, फिर वाई एक्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपको वाई एक्सिस वाई डैश, ये आपको ओरिजिन है। अब यहाँ पे फिर एक्स एक्स को पुट, एक्स क्या है रेडियन में, साइन एक्स कोसेक एक्स सब क्या है, एक्स क्या रेडियन में है, तो एंगल एंगल यहाँ लिख दो क्या क्या,
पाई बाई टू के इंटरवल में, पाई बाई टू पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, फिर 3π, एंड सोन चलती रहेगी। ठीक, इधर -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π, ओके, एंड सोन चलते रहेगी 3π, इससे प्रोसेस चलते रहेगा। अब देखो सेक का वैल्यू क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कोसेक का, कोसेक वैल्यू कहाँ है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बट इसको छोड़ के, यानी कि वाई के वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, वाई मतलब कोसेक एक्स, इन तो वाई वाई इक्वल टू क्या है, कोसेक एक्स, यानी वाई की वैल्यू -1 और 1 के जो वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पर देखेंगे -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं आना चाहिए, या तो -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, या -1 से नीचे होनी चाहिए। ओके, तो ये देखो यहाँ पे दे दो सपोज कर, तो ये क्या है आपको 1 है, ओके 1 है, और -1 आप नीचे लिख दो यहाँ, ये क्या है -1 है। ठीक है, अब ग्राफ जो है इसी के बीच में लाई करनी चाहिए, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस लाइन के नीचे नहीं आनी चाहिए ग्राफ, ओके उस तरह से -1 यहाँ पर -1 के ऊपर नहीं जानी चाहिए ग्राफ, कि -1 और 1 के बीच में लाए नहीं करेगा ग्राफ, इसलिए हमने क्या किया लाइन ड्रॉ कर लिया। ये लाइन है किसका, y इक्वल टू 1 का, नीचे y इक्वल टू -1 का है, एंड इसके बीच में ग्राफ लाए नहीं करेगा, इसके बीच में ग्राफ नहीं आना चाहिए, इस 1 से ऊपर होनी चाहिए या -1 से नीचे। अब देखते हैं जो कोसेक एक्स किस किस पॉइंट, एक्स की किस वैल्यू पे नॉट डिफाइन है, तो क्या 0 पे नॉट डिफाइन है, देखो कहाँ कहाँ 0 पे नॉट डिफाइन है, पाई पे, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे 2π, 3π, -π, -2π, -3π, इस पर क्या है फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, तो हम यहाँ पे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लो, तो 0 पर तो वाई एक्सिस ही है, छोड़ दो उसे। अब आते हैं हम लोग डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करते हैं, पाई पे करने पहले, यानी एक्स इक्वल टू पाई है, ये यहाँ पे 2π, ठीक है डॉट डॉट लिंक कर दो, फिर ऊपर 3π, फिर -π पे, फिर -2π पे, फिर -3π पे, ठीक है ओके। अब ग्राफ अब क्या कर रहा है कि y जो होगा 1 से या तो ऊपर होगा या -1 से नीचे होगा, तो फर्स्ट आते हैं हम लोग 0 और इसके बीच में, 0 और पाई के बीच में है ना, 0 का ग्राफ टच नहीं करेगा, यानी ये 0 मतलब क्या, एक्स कॉल 0, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, यहाँ एक्स क्या है आपको पाई है, यहाँ पे एक्स क्या है 2π है। ठीक है, अब इसको टच नहीं होनी चाहिए चूंकि डोमेन में एक्स को हमने नहीं लिया, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल को इस पॉइंट पर नॉट डिफाइन हो रहा है, कोसेक एक्स क्या होता है नॉट डिफाइन। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं ओके, तो अब इसके बीच में देखो बेटे कोसेक एक्स यहाँ पाई बाई टू पे मिनिमम वैल्यू 1 होगा है ना, जो देखो साइन पाई बाई टू क्या होता है, नाइन साइन पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो कोसेक 90 डिग्री भी 1 ही होगा, चूँकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा ना, तो 1 ये मिनिमम वैल्यू यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से देखो बच्चे, सॉरी अब देखो एक्चुअली क्या है, ये 0 से पाई बाई टू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर पाई बाई टू से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट है,
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव है तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर बनेगा, है ना, ग्राफ किधर, इधर बनेगा, ऊपर बनेगा, तब देखो क्या हो जाएगा दोनों केस में, और चूंकि कोसेक वैल्यू 1 से कम हो ही नहीं सकता है तो ग्राफ इस तरह बनेगा, इस तरह जाएगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। फिर अब अल्टरनेट चलेगा, ऊपर बने तो अब नीचे बनेगा, है ना, कहाँ पे, ये पाई बाई टू पे वन, तो यहाँ 3π/2 पे क्या आएगा, माइनस वन आएगा, क्या आएगा, 3π/2 पे माइनस वन आता है वैल्यू साइन का, तो कोसेक का भी माइनस वन आएगा। अब क्या आएगा ये, चूँकि ये 21 क्वाड्रेंट में है, ये देखो थर्ड में, ये फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में कोसेक क्या तो निगेटिव होता है, तो नीचे जाएगा ग्राफ, क्या बनेगा, नीचे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ओके। फिर दब गया यहाँ पे आओ, अब अल्टरनेट ऊपर बनेगा, 5π/2 पे वन होगा, तब ग्राफ फिर रिपीट हो गया। अब क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड दोनों में क्या है, आपको कोसेक पॉजिटिव होता है, अल्टरनेट चलते रहेगा। फिर लेफ्ट साइड आओ, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर है, तो अब इसके बाद क्या, नीचे आएगा ग्राफ, 5π/2 पे माइनस वन होगा, -π/2 पे अल्टरनेट चलेगा, फिर अब नीचे अब फिर ऊपर होगा, है ना, वन जहाँ -3π/2 है यहाँ पे वैल्यू वन आएगा, ऊपर बनाएगा, अल्टरनेट ऐसे चलते रहेगा। फिर अब नीचे होगा यहाँ पे -1 पे, अल्टरनेट इस तरह चलते रहेगा, प्रोसेस चलते रहेगा ये, ओके। ध्यान रखना जो डॉट डॉट लाइन है उसको टच नहीं करेगा, ये किसका ग्राफ हो गया, कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया, ओके। इस तरह से जो आपको डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, तो फिर आपको आपको ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं है, ओके बेटे।